दोस्तों, सैफ अली खान पतौदी परिवार के 10वें नवाब है। मध्य प्रदेश में सैफ के पास हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति है, जिस पर विवाद भी चल रहा है। लेकिन इस प्रॉपर्टी पर उनके बेटे तैमूर अली खान का हक नहीं होगा। इसके पीछे की वजह काफी पेचीदा है, तो चलिए आज हम आपको सैफ अली खान की कुल संपत्ति के बारे में बताते हैं, जिसके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। सैफ अली खान की पैतृक संपत्ति सिर्फ मध्य प्रदेश में ही नहीं, हरियाणा और दिल्ली समेत दूसरे राज्य में भी फैली हुई है। भोपाल में ही सैफ अली खान की प्रॉपर्टी 5000 करोड़ रुपए से ज्यादा की है, लेकिन इसे लेकर विवाद चल रहा है। दरअसल भोपाल के आखिरी नवाब और सैफ अली खान के परदादा हमीदुल्ला खान की पूरी चल अचल जायदाद शत्रु संपत्ति की जद में आ चुकी है। सरकार दिसंबर 2016 एनिमी प्रॉपर्टी प्रोडक्शन एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट में अमेंडमेंट के लिए पांचवी बार ऑर्डिनेंस लाई थी। इसके बाद उनकी संपत्ति इसकी जद में आ गई है। नवाब पतौदी की प्रॉपर्टी शुरू से ही विवादों में रही है। भोपाल में उनकी ज्यादा जमीन जायदाद शत्रु संपत्ति की जद में आ चुकी है। गृह मंत्रालय का शत्रु संपत्ति विभाग इस प्रॉपर्टी की जांच कर रहा है। भोपाल के नवाब हमीदुल्ला खान ने जायदाद का वारिस अपनी बड़ी बेटी आबिदा को बनाया था, जो पाकिस्तान चली गई थी, जिसके बाद इस प्रॉपर्टी पर मंजली बेटी साजिदा सुल्तान के परिवार का कब्जा हो गया, जिनके पोते हैं सैफ अली खान यानी हमीदुल्ला के परपोते। वहीं बीते दिनों शत्रु संपत्ति विभाग ने सैफ अली खान से पूछा था कि उनके परदादा की संपत्ति कहां कहां है। भोपाल जिला प्रशासन ने उसके बाद नवाब के परिवार की भोपाल में से पूरी संपत्ति का ब्यौरा तैयार कर लिया था। अब शत्रु संपत्ति विभाग ये पता करने की तैयारी कर रहा है कि इस प्रॉपर्टी की मौजूदा स्थिति क्या है और इनका मालिकाना हक किसके पास है। इतिहास के जानकार बताते हैं कि साजिद सुल्तान ने नवाब हमीदुल्ला खान की प्रॉपर्टी को नवाब पतौदी के नाम नहीं किया था, हालांकि बेटा होने के कारण पतौदी ही इसके देख रेख कर रहे थे। पतौदी के निधन के बाद उनकी बहनें सबीहा और सलेहा इस पर अपना हक जता रही हैं। मामला अभी भी कानूनी लड़ाई में फंसा हुआ है। भोपाल के अलावा सीहोर और रायसेना में भी पतौदी खानदान की संपत्ति है, लेकिन सरकार से इसकी जानकारी छिपाई गई। इसके बाद प्रशासन ने सैफ अली खान, उनकी मां शर्मिला टैगोर और सैफ की दोनों बहनों को नोटिस भेजा, साथ ही परिवार से पूरी जानकारी मांगी है। नवाब पतौदी के निधन के बाद प्रॉपर्टी की मालकिन शर्मिला टैगोर है, उनकी छोटी बेटी शबाली जो कि फैशन डिजाइनर हैं, वहीं इन संपत्तियों का देखरेख करती हैं। नवाब की भोपाल, रायसेना, सीहोर जिले में सैकड़ों एकड़ जमीन है। भोपाल में नवाब खानदान के पास अभी भी 2700 एकड़ जमीन है। कई पर अभी मुकदमे चल रहे हैं, तो कई परिवार के कब्जे में है। सैफ अली खान अरबों करोड़ों रुपए के मालिक और एकदम लग्जरियस लाइफ जीते हैं। खबरों के मुताबिक फिलहाल सैफ की लगभग कुल संपत्ति 1100 करोड़ रुपए यानी कि 11 अरब है। वो हर साल 55 करोड़ रुपए की कमाई करते हैं। सैफ के पतौदी पैलेस की कीमत 800 करोड़ रुपए है, जो हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है। इसके अलावा उनका स्विट्जरलैंड में लगभग 33 करोड़ रुपए का एक बंगला भी है। वो नवाबों के खानदान से हैं। उनके पिता मंसूर अली खान पतौदी भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी और भोपाल के नवाब हुआ करते थे। सैफ अली खान के पास एक से बढ़कर एक महंगी लग्जरियस और स्टाइलिश बाइक्स और कार का कलेक्शन है। इनके पास 9,32,000 रुपए की कीमत वाली हार्ले डेविडसन आयरन 883 बाइक भी है। उन्होंने अमृता से तलाक लेकर अभिनेत्री करीना कपूर से दूसरी शादी की। दोनों का एक बेटा तैमूर है, जो सोशल मीडिया पर काफी फेमस रहता है। तो दोस्तों, आपको पतौदी खानदान की कुल संपत्ति के बारे में जानकर कैसा लगा, आप अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। और बॉलीवुड जगत से जुड़ी ऐसी ही मसालेदार खबरें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।